उत्तराखंड के उधम सिंह नगर किच्छा क्षेत्र के शांतिपुरी नंबर 1 में देर रात कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शांतिपुरी नंबर 1 में पूर्व सैनिक दीवान गिरी अपने परिवार के साथ बीते 26 सालों से रहते थे। उनके 3 पुत्रियाँ 2 बेटे थे, जिसमें उनका दूसरे नंबर का पुत्र भजमन गिरी उर्फ 35 वर्ष नशे का आदि था। भजमन अक्सर शराब पीकर घर में झगड़ा पहले भी करता रहता था। नशे में वह अपनी पत्नी को भी मारता था। बृहस्पतिवार रात को भी वह शराब पीकर घर आया। घर में पैसे लेकर अपनी मां से झगड़ा करने लगा। उस दौरान छोटा भाई चंदन गिरी अपने बड़े भाई को समझाने लगा। उसी बीच अपने छोटे भाई को चाकू से मारने की धमकी देने लगा। आवाज सुनकर पिता अपने कमरे से बाहर आए। इस दौरान बीच बचाव के लिए जब पिता पूर्व सैनिक सूबेदार दीवान गिरी आए, तो भजमन ने जो चाकू भाई के ऊपर ताना था, उसी चाकू से अपने पिता की छाती पर हमला कर दिया, जिसे दीवान गिरी उम्र 57 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने पूर्व प्रधान दीवान थापा की पर्सनल गाड़ी में आनन फानन में उन्हें किच्छा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।